Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं बच्चों, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ लिया, नेट प्रॉफिट पढ़ लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, अगर टेक्निकली आपको समझाया जाए ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमने सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया है। ऑपरेटिंग ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया। हमारे बिजनेस में कई तरह के ऐसे भी प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव, रेंट रिसीव, लॉटरी इनकम रिसीव, या कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होते, जो वैसे ही हो जाते हैं, गुड्स लॉस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेना हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है, हम तो लेट अस अज्यूम एसी बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड यानी गुड्स से रिलेटेड हमारे प्रॉफिट्स होंगे वही हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होंगे। इसके अंदर पहले ग्रॉस प्रॉफिट तो एज इट इज निकाला जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करने चाहिए। दो फॉर्मूलास मैं आपको बताता हूं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बताऊं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो जो सिर्फ हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे रेंट पेड बिल्डिंग का, सैलरी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, डिलीवरी वैन पेड, एडवर्टीजमेंट पेड, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा ऑपरेटिंग नहीं, समझ गए ना? या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 12th में पढ़ोगे ये क्या चीज है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, आप ये भी 12th में पढ़ोगे। तो कोई ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस रिलेटेड ना, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे अभी बताया मैंने रेंट रिसीव, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से रेंट आ गया, ये मेरे बिजनेस का इनकम थोड़ी है, ये तो अदर इनकम है। तो इस तरह की कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड नहीं की जाती। तो या तो ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है, और या अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन हो तो नेट प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी जितनी भी नेट प्रॉफिट के अंदर एड हो चुकी हैं उसको आउट कर दो, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्टेड हैं उसको वापस एड बैक कर लो, ताकि पता लगे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है। इसलिए रिवर्स चला गया है, ये प्लस किया है मैंने एक्सपेंसेस और माइनस किया है बच्चों इनकम, रिवर्स चलो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट है 1,00,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन है बच्चों 20,000, ऐड कर देता हूं, ये हमारे बिजनेस का लॉस नहीं होता है सच, क्योंकि लोन लेना हमारा बिजनेस नहीं है, वो तो पैसे की जरूरत पड़ गई होगी, हमारे पास अपना कैपिटल नहीं होगा, हमने लोन या ओवरड्राफ्ट ले लिया होगा। माइनस जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे रेंट रिसीव्ड 10,000, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीनें बेचना, अपनी ही मशीनें बेचना हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है, इसलिए फिर भी हमने बीच में एक मशीन बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी एक एग्जांपल और मिल गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेची उस पर लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस थोड़ी है। वैसे ठीक है हमें बिजनेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जो हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उस बिजनेस एक्टिविटी में ये लॉस थोड़ी होता है। तो कभी कभार 10 साल में 15 साल में एक आध बार मशीन बेची उसका लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो मेरा बिजनेस चलाने का सच्चा नहीं। और इसी तरह से डोनेशन, डोनेशन हमने जो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्लियर नहीं है कि डोनेशन, वैसे आम तौर पर डोनेशन हम लोग पे ही करते हैं, क्योंकि हमें डोनेशन कोई क्यों आएगी? अगर हम एनजीओ हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हम स्कूल चलाते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं तो हम लोगों को डोनेशन रिसीव होगी, पर आम तौर पर हम जो है रेगुलर ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो डोनेशन हम पे ही करते हैं, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसको भी ऐड करते हैं बच्चों। सो यू सी रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये 10,000 15,000 हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन ये 20,000 2,000 हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। सो 1,22,000 माइनस 25,000 आंसर इज 97,000, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाया।
ओके, तो ये अपने आप एक अच्छा कंसेप्ट होता है। ओके,